पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए ना अपनी सुबह को अच्छा ज़रूर बनाना पड़ता है। अगर आपकी मॉर्निंग अच्छी तो आपका पूरा दिन अच्छा। आपकी जो सही मॉर्निंग हैबिट्स हैं ये आपके पूरे दिन पर इफ़ेक्ट डालती है, इसी से आपका पूरा दिन डिपेंड करता है। तो कौन सी चीज़ें हैं जिसका ख्याल आपको मॉर्निंग में रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको मॉर्निंग में फॉलो करना है जिससे कि आप पूरे दिन अच्छा फील करें, आपका पूरा दिन अच्छा निकले। हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सुबह सुबह किसी के बारे में भी कुछ भी गलत नहीं बोलना है, कोई भी नेगेटिव बात करनी ही नहीं है, ना खुद के बारे में ना ही किसी और के बारे में। कोई भी गलत ख्याल अपने मन में नहीं लाने देना है। हर सुबह आपको खुद को ना एक्साइटेड और एनर्जाइज रखना है। आप कभी कभी सो के उठते हैं ना तो आपके अंदर आलस होता है क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती है। ऐसे में आप कहते हैं कि आज आपका मन नहीं है कुछ भी करने का, बट आपको करना है। आपको हर सुबह अपने काम की शुरुआत ज़रूर करनी है। आपकी बॉडी एक्टिव नहीं हो पा रही है तब भी आपको अपने काम की शुरुआत कर देनी है। अगर आप अपने काम की शुरुआत कर देते हैं ना तो इसी से आपका मूड चेंज हो जाता है, इसी से आपके अंदर एनर्जी आ जाती है क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत कर दी, क्योंकि आपने अपना थोड़ा सा काम कर लिया। जब आपका थोड़ा सा भी काम हो जाता है ना तो आप अच्छा फील करते हैं और इसी टाइम आपके अंदर एनर्जी भी आ जाती है। तो आपको काम ज़रूर करना है, चाहे थोड़ा ही करिए। इससे ना आप काफ़ी हल्का फील करेंगे, बेटर फील करेंगे और आपका दिन भी ना ख़राब नहीं जाएगा। सुबह सुबह उठते ही ना कुछ लोगों को किसी से बात करने का मन ही नहीं करता है, जैसे चिढ़े चिढ़े से रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो उठना नहीं चाहते थे बट उन्हें उठना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती है। हो सकता है आप भी ऐसे ही हों। आपको उठते ही जैसे टेंशन सी हो जाती है या आपके काम से रिलेटेड चीज़ें आपके मन में चलने लगती है। ऐसे में आप चुप रहते हैं। चुप रहना भी मेडिटेशन का ही पार्ट है, बट चुप रहने का मतलब ये है ना कि आपका दिमाग जो है वो स्थिर हो, आपका दिमाग जो है वो शांत हो। लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो बट किसी भी प्रॉब्लम को ना अपने से ऊपर मत रखिए। सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप जिनके साथ भी रह रहे हैं ना उनके साथ मॉर्निंग में थोड़ी टाइम ज़रूर बैठिए, अपनों के बीच में बैठिए। आप उनके साथ ब्रेकफास्ट करिए, चाय पिए, उनसे अच्छी बातें करिए। इससे ना आपका पूरा दिन अच्छा निकलता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। दिन की शुरुआत ना अपनेपन के साथ पॉजिटिविटी से करेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा ही निकलने वाला है। सुबह ना आप अपना फ़ोन लेकर मत बैठ जाइए क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना ये बहुत ज़रूरी टाइम होता है और ये टाइम कैसे निकल जाता है ना हमें पता ही नहीं चलता है। तो आपके जो भी ज़रूरी काम है पहले उसे करिए, फिर अपना फ़ोन उठाइए। थोड़ी देर सुबह वॉक करिए, 15 से 20 मिनट ना आप धूप में रहिए। इससे आपको विटामिन डी तो मिलेगा ही, साथ में आपको नेचुरल लाइट मिलेगी और ये आपकी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह फ़ोन का यूज़ करके ना अपनी आँखों पर जोर मत डालिए क्योंकि सुबह सुबह ना हमारी आँखों को सूदिंग लाइट की ज़रूरत होती है। और जब आप बाहर निकलते हैं ना तो फ्रेश इन्वायरमेंट आपके मूड को तो अच्छा बना ही देता है, आपके दिन की शुरुआत में ही आपको अच्छा फील करा देता है। अपना फ़ोन लेकर के सुबह सुबह ही बैठ जाते हैं, ऐसे लोग ना डिप्रेशन के शिकार जल्दी होते हैं। इनके अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है और इससे ना इनके दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है। रात में ना जल्दी सोइए और एक फिक्स टाइम पर सोइए। आपको नेक्स्ट डे क्या करना है इस चीज़ का भी प्लान करके रखिए। इससे ना सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, वो आपको नेक्स्ट डे के लिए ना तैयार रखेगा, आपको एक्टिव रखेगा। हर चीज़ को लेकर के ना खुशी जाहिर करिए, हर छोटी सी छोटी चीज़ को लेकर के। जब आप सुबह सुबह ना नेचर के बीच में हों तभी आप ग्रेटिट्यूड करिए। इससे ना आपका मन भी ऐसा ही बनता जाएगा, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका मन बनेगा, आपका नज़रिया ही ऐसा बन जाएगा। आपको नेचर ना और बढ़ा करके देने लगेगा। आप खुद से कहिए कि आप बहुत काबिल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास सब कुछ है, सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है और आप ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट भी करते हैं। इससे ना आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपका मॉर्निंग अच्छा होगा, आपका पूरा दिन अच्छा निकलेगा।
ये छोटी छोटी हैबिट्स ना हमारी लाइफ पर गहरा इम्पैक्ट डालती है। ये चीज़ें पहले भी सही थी और आज भी सही हैं, बट मैक्सिमम लोग ना आज अपनी लाइफ स्टाइल को ख़राब कर चुके हैं। आप भी उन्हीं की कॉपी करते हैं और आप प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में फेस करते हैं। आपको ना भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको भीड़ में अपनी जगह बनानी है। आप वो करिए जो आपके लिए बेटर है, जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा बनाए, जो आप में अच्छे इम्प्रूवमेंट लाए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में खुशियों को फील कर सकें, आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।